आज हम जा रहे हैं गुड़गांव, लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव किसी के घर प्रवेश में, तो आइए चलते हैं। जी आगे प्रसाद ले लीजिए। ओम आदित्य आवाज बोली जी मैं ओम आरे हे ओम ओम धागा बनवाइए लेफ्ट हैंड में। इसी में बैठने का लग रहा होगा कि हम यहाँ के बैठे हैं। हाँ वही, कभी तो मैंने तो बाल वाल सब बाल रबड़ बैंड है मेरे फैशन नहीं, मैंने अच्छे से गुत बना ली सारे। पूजा खत्म हो गई और हम बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं और भगवान जी मांग रहे हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैंने कपड़े कैसे बदल लिए, क्योंकि उन कपड़ों में एक घंटे दो घंटे ज़्यादा नहीं रहा था, तो हमें चेंज के लिए कपड़े लेके आए थे। एंड आप भी यही करेगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। और इतनी सही हवा चल रही है, हम क्या करें। और आप पूरे दिन रह सकते हैं क्योंकि इनका कॉटन करें, हमें सिंथेटिक के कपड़े बनवा के आएगी। मैंने और दृष्टि ने कर लिया है चेंज और बस वो अपने घर की ओर निकलते हैं। सही है, शाम को मिलते हैं। मैंने कल हील वगैरह पहन ली थी ना, और उसके बाद हम 6-7 घंटे और चल रही है। आपको दिख रहा हो मेरे पैर में छाले पड़ गए, दिख रहा है? दिख ही रहा हो, मतलब 6-7 घंटे हील नहीं पहननी चाहिए। वो काफ़ी चल ली 5-6 किलोमीटर उस हील में, छाले पड़ गए मेरे दोनों पैरों में। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हील्स पहन के कहीं मत जाओ, हील्स पहनो और साथ में जूते भी लेकर चला दूँ, समझ गए? वेरी गुड। इतनी तेज़ आंधी आई, मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, अभी भी चली रही है। सब उड़ गया हमारा, हमारे पौधे भी गिर गए। ये तो गिर ही जाता है रोज, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। और ये बैठ के अंदर देख रहे थे, चाय लेके आए। ओहो 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 ओहो, देखना जरा दृष्टि की फ्रॉक गिर गई है नीचे, उसको लेकर आ जाना। मम्मी चिल्लाई, मुझे लगा मम्मी या तो गिर गई है कुछ कपड़े में कुछ हो गया, तो हम भाग के आ गए। मम्मी ओहो हाँ, उड़ जाओगे इसी चाय के कप के साथ। इधर आ जाओ, देखो कितनी तेज चल रही है हवा। पापा खतरों की खिलाड़ी, अंदर चल लो। ये कप एक भी कपड़ा उठाने नहीं है, एक भी कपड़ा। वहां से अंदर से खड़ो के देख रहे हैं हमको। बाय बाय। देखो पूरा क्या हाल कर दिया पौधों का। ऊपर वाली आंटी के पौधे थोड़े दिन के हम रखे हैं, सारा इतनी बेफालतू की आंधी आ जाती कभी कभार, तो समझ में नहीं आता। सब उड़ गया, बस गए वहाँ पे, उड़ रहा सब कुछ। देखो और लोग भी घर में, उन लोगों के पौधे खराब हो गए, वहाँ पे भी अंकल सही कर रहे हैं पूरा सब। स्वाहा है कि जोर से आई, आराम से नहीं आ सकती बारिश भी। मतलब अरे खोली नहीं रहा मम्मी, इतनी जोर से प्रेशर आ रहा है, देखना मैं कितने जोर दम लगा रही फिर भी नहीं खुल रहा है। फिर आगे देखा कितनी जोर से हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना आपको, सब सब टूट जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा हो रहा है। आज क्या हुआ, मैं 10 बजे उठा और मैं फिर सो गया 4 बजे। मेरा पूरा दिन सोने नहीं चला। छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पियो खाना खाओ सो जाओ। हाँ तो दूध पियो खाना खाओ सो जाओ, आज तो यही हो रहा है। मैं भी उठी और मैं तो दूध पी रही हूँ। बोलो क्या बात है, इसने बोला बोलो बोलो। अरे
ये थोड़ी बोलेंगे बोल कैमरा बोल। पता है हमारे घर में सबसे पतली कमर किसकी है? वो इतनी एक्सरसाइज करता है इंसान कि हर एक मिनट चलता रहता चलता रहता है। बता। अच्छा मैं पहले बोलती हूँ कितनी कमर है। 27 की 28 इसी के बीच में। और किसकी कमर है? उनके पीछे की है। 27 28 पहले हम इतना चल लिए इतनी जल्दी जल्दी पहले वहाँ घूमाए फिर वहाँ जाके आ गए। अब ना घर में ब्लॉगिंग करने की मेरे में हिम्मत नहीं रहती। तो यही देखो सब्सक्राइब तो करते हो नहीं लाइक भी नहीं करते। बोलो मम्मा मम्मा अल्लाह। बस इनका कोई भी ब्लॉग देख लो उस पर चाय पर ही चर्चा चलती रहती है। वह देहरादून में आइए चाय की लिप्टो चाहिए। और इतनी अच्छी चाय थी। अच्छी चाय थी वो 40 रुपए हमने फेंक दिए मेरे को। खराब चाय बनाई थी उसने कलर वाली चाय। कहीं ना अच्छी बहुत अच्छी। आज मैंने बाल वाले थे कर्ड लगा के और इतनी अच्छी नहीं इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं देख रही हूँ नीचे सब लोग घूमने जा रहे हैं बैग हम घूम घाम के आ गए हैं। अब एग्ज़ाम वगैरह पढ़ेंगे हिस्ट्री की भी एग्ज़ाम है। ये बैठ के छोटी सी स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं जबकि अंदर इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है। सुनाई दे रहा है आपको जितने शोर में मंदिर जाके आ रहे हैं। बहुत देर से मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी इतने घंटों में तैयार हुई है और मुझे डांट रही है तुम नहीं तैयार हुई। छाता ले लिया क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है पर मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। चलो रुको रुको स्टॉप मम्मा। वो क्या रेट दे रहे हो? बोल भाई भैया सही लगा। 100 रुपए की 2 किलो आ रही है ये। ओ भाई देखियो तूने क्या चढ़ा दिया। ये अभी कितने टाइम आ रहा है? 4-5 हफ्ते का आम है। 1 हफ्ते बस। ये बोल रहे हैं कि सफेदा चला जाएगा 1 हफ्ते बाद। कैसे जिंदगी चलेगी बिना आम के? और टप टप शुरू हो गई है बारिश बस आने ही वाली है। अभी भीग जाएंगे सारे के सारे हम। और अनार बता दे भाई। 220 अनार। ओके बताओ कश्मीर में ये सेब 40 रुपए किलो मिल रहा है। कश्मीर का दाम मत लगाओ अभी। चलो उठा ये हमारे कितने हो गए यार। मम्मी इतना मत लड़ा करो। अनार जल्दी बता दो। बोल रहे थे जोर से चिल्ला आपका चैनल बनना है। खराब है उसमें एक भी दबा हुआ तो देखिए मैं गाड़ी में बैठूंगी वापस ले आऊंगी। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से खौफ बना रहता है मम्मी का क्योंकि हर चीज़ में इतना इंसान को आगे वाले को तड़पा देती हैं। चलो उठाओ अपना सामान। मम्मा खोलो चैनल का नाम बता दूँ। मैंने कहा बहुत सारे नाम होते हैं तेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। ये बड़े बड़े 1-1 किलो वाले दशहरी आम हैं जो सर पे मारो किसी के फूट जाए और अंदर से ये पके नहीं है अभी कच्चे हैं। आप कैसे पता? देखो टच करके देख लो। चलो अब देखो हम इस तरह आपके घर आके पकड़ पकड़ के तो सब्सक्राइब करा नहीं सकते तो प्लीज़ यारो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। पीछे अगर खर्राटों की आवाज़ आए तो चिंता मत करना मम्मा सो रही है। एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।